हे गाइस, तो आज से मैं शुरू कर रही हूँ अमेरिकन रोमांटिक पीरियड की सीरीज़, जिसमें सारे नॉवलिस्ट, राइटर्स, ऑथर्स, बेसिकली सारे पर जितने भी अमेरिका के हैं मेजर वंस और माइनर भी, मतलब जो थोड़े कम फेमस हैं और जो ज़्यादा फेमस हैं, वो भी दोनों को कवर करेंगी। और मैं कोशिश करूँ कि डेली मैं एटलीस्ट वन ऑडियो ज़रूर पोस्ट करूँ, और ये आपको सारा कंटेंट ऑडियो फॉर्म में ही मिलने वाला है और बहुत ही हेल्पफुल होगा। मैं ये कवर कहाँ से कर रही हूँ, मैं आपको ये बताना चाहूँगी। मेरे पास हैं वर्ल्ड लिटरेचर इन योर फिस्ट के नोट्स हैं मेरे पास, जो मैंने इन टेलीग्राम से ही मतलब डाउनलोड किए थे बेसिकली, और उनको प्रिंट आउट करवाया था। तो ये बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, मतलब बेसिक अगर आपको कवर करना है अपना इंग्लिश लिटरेचर में, आपको अपना बेसिक अच्छा स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप ये नोट्स ज़रूर पढ़ें। और आप ये मेरी ऑडियोज़ से भी हेल्प ले सकते हैं, मैं ये जितना भी नोट्स में है वो सारा कवर करूँगी अपने ऑडियोज़ के थ्रू। अपने फ्री टाइम में जब आप कुछ और नहीं कर रहे हैं, तो आप ऑडियो लगा के सुन सकते हैं। बेसिकली नोट्स जो मेरे पास हैं, ये कंप्लीट नोट्स हैं वर्ल्ड लिटरेचर के, मैं धीरे धीरे सारा कवर करने की कोशिश करूँगी। तो आप बस मेरी ऑडियंस को सुन सकते हो और इनसे हेल्प ले सकते हो बेसिकली। तो आज शुरू करेंगे वर्ल्ड लिटरेचर इन योर फिस्ट का, अमेरिकन लिटरेचर का फर्स्ट चैप्टर जो इसमें है, इसका नाम है अमेरिकन रोमांटिक पीरियड। तो इसको शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट इट। तो फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि अमेरिकन रोमांटिक पीरियड क्या है और कैसे ये स्प्रेड हुआ, तो जानते हैं उसके बारे में, और कौन इसमें मेन ऑथर्स थे, कौन उभर कर आए हैं इस टाइम पीरियड में। सो ये अमेरिकन रोमांटिक पीरियड जो है 1830 से लेकर 1870 तक का टाइम पीरियड है, ऑलमोस्ट 40 ईयर्स का ये टाइम रहा है, और हम कहेंगे 1830 टू 1870। तो इट वाज अ टाइम ऑफ रैपिड एक्सपेंशन एंड ग्रोथ इन द यूनाइटेड स्टेट्स दैट फ्यूल्ड इंट्यूशन, इमेजिनेशन एंड इंडिविजुअलिज्म इन लिटरेचर। इट स्टार्टेड इन 1820s बेसिकली, ये 1820 के आसपास से ही शुरू हो गया था। और जब ये शुरू हुआ तो आपको क्या देखने को मिला अमेरिका में, एक रैपिड एक्सपेंशन हुई, ग्रोथ हुई बहुत अच्छे से यूनाइटेड स्टेट्स में, यूएस में, और क्या फ्यूल्ड हुआ, दैट फ्यूल्ड इंट्यूशन, इमेजिनेशन एंड इंडिविजुअलिज्म इन लिटरेचर। तो लिटरेचर में आपको देखने को मिला कि इंडिविजुअलिटी आई, पर्सन टू पर्सन, मतलब इसमें एक्सपेंशन हुई लिटरेचर की, इमेजिनेशन बढ़ी, जो राइटर है, जो नॉवलिस्ट है, जो भी लिखने वाला है, ऑथर है, उसने इमेजिनेशन को और ग्रो किया, इंडिविजुअलिज्म पे बात की और इंट्यूशन पे बात की बेसिकली। तो इट वाज अ टाइम ऑफ रैपिड एक्सपेंशन एंड ग्रोथ इन द यूनाइटेड स्टेट्स दैट फ्यूल्ड इंट्यूशन एंड इमेजिनेशन इन द एंड इंडिविजुअलिज्म इन लिटरेचर। इट स्टार्टेड इन 1820। सो within the romantic stories, novels and poems, there are five characteristics which can be used to identify American romantic literature. तो वो कौन सी characteristics हैं जिसे आप बता सकते हो कि ये work, जो particular work है, ये American romantic literature से related है। तो वो characteristics हैं, imagination आपको देखने को मिलेगी, इंडिविजुअलिटी वहाँ पर होगी, नेचर को यूज़ किया जाएगा एज अ सोर्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, एंड लुकिंग टू द पास्ट फॉर विजडम, पास्ट को यूज़ किया जाएगा विजडम के लिए, बेसिकली अपने पास्ट से सीखने की बात होगी, सीइंग द कॉमन मैन एज अ हीरो, और कॉमन मैन को इसमें हीरो के रूप में, मतलब प्रोटैगनिस्ट के रूप में आपको कॉमन मैन को यहाँ पे देखा जाएगा, कॉमन मैन आपको यहाँ पे दिखेगा अमेरिकन रोमांटिक पीरियड में। तो ये है इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, इमेजिनेशन, इंडिविजुअलिटी, नेचर एज अ सोर्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, looking to the past for wisdom, seeing the common man as a hero. Okay, next pointer hai, it stands for a literary renaissance. ये एक literary renaissance था basically, literature में एक नया पुनर्जागरण हुआ है, दोबारा से renewal हुआ है literature का। इससे पहले age of reason थी, उसमें बिल्कुल ही practical thoughts थी, practicality पाई जाती थी, तो अब ये renewal हुआ है literature का, तो इसे literary renaissance कहा गया है। It was named after a medieval romance, medieval romance के नाम पर इसका नाम रखा गया, a tale or ballad of chivalric adventure and individual heroism. So among the फर्स्ट अमेरिकन रोमांटिक ऑथर्स वर रेल्फ वेल्डो एमर्सन, ये आपको बहुत ही फेमस नाम है, सुनने को मिलेगा अमेरिकन रोमांटिक पीरियड के बारे में जब भी आप पढ़ोगे, तो रेल्फ वेल्डो एमर्सन, हेनरी डेविड थोरियू एंड नथानियल होथोन, यहाँ पर मेन जो हैं फर्स्ट अमेरिकन रोमांटिक ऑथर्स के नाम हैं, तो रेल्फ वेल्डो एमर्सन, हेनरी डेविड थोरियू एंड नथानियल होथोन। नेक्स्ट पॉइंटर इज रोमांटिक राइटर्स सो देमसेल्व्स एज रिवोल्टिंग अगेंस्ट द एज ऑफ रीजन, एज आई प्रीवियसली टोल्ड यू दैट बिफोर रोमांटिक पीरियड देर वॉज द एज ऑफ रीज़न, जो कि 1700 से 1789 तक थी,
और तो यहाँ पर रोमांटिक राइटर्स क्या आपको देख करते हुए मिलेंगे, ये रिवोल्ट कर रहे हैं किसके प्रति, ये रिवोल्ट कर रहे हैं अगेंस्ट द एज ऑफ रीज़न एंड इट्स वैल्यूज़। तो ये मतलब काउंटर पार्ट कर रहे हैं रीज़न की एज का। ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद है वॉशिंगटन इरविंग इज़ रिगार्डेड एज़ द फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। अमेरिकन लिटरेचर के फादर को किसको कहा जाता है, अमेरिकन लिटरेचर के फादर, ध्यान रखें, तो कहा जाता है वॉशिंगटन इरविंग को। रोमांटिक्स बिलीव्ड दैट दे कुड अचीव हाई लेवल ऑफ इनसाइट एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम जस्ट बाई गोइंग टू नेचर। नेचर की तरफ जाकर, नेचर को ऑब्जर्व करके वो अपने आप को जान सकते हैं, हाई लेवल ऑफ इनसाइट प्राप्त कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो फाइंडिंग गॉड इन नेचर, नेचर में ही आप अपने भगवान को प्राप्त कर सकते हो। तो दिस पीरियड एंड दीज राइटर्स वर नोन एज द अमेरिकन रेनेसोंस। ये सब क्या थे, अमेरिकन रेनेसोंस थे, पुनर्जागरण था अमेरिकन लिटरेचर का। एक कॉइंड टर्म अमेरिकन रेनेसोंस, ये टर्म किसने कॉइन आउट की थी, F.O. Matthiessen ने की थी। स्पेलिंग में बोलती हूँ, MATHIESEN Matthiessen, F.O. Matthiessen, इन हिज बुक ऑफ द सेम नेम अमेरिकन रेनेसोंस इन 1941। इन्होंने अमेरिकन रेनेसोंस अपनी बुक का नाम रखा और ये नई टर्म कॉइन आउट की। अदर रोमांटिक राइटर्स वर एडगर एलन पो, एंड ये तीन नाम तो आपने पढ़ ही लिए थे, रैल्फ वाल्डो एमर्सन, हेनरी डेविड थोरियो एंड नथानियल होथोन। इनके अलावा अदर देन दैट देर आर एडगर एलन पो एंड हरमन मेलविल एंड वॉल्ट विटमैन, जो कि बहुत ही फेमस नेम्स हैं। दीज अमेरिकन रेनेसांस राइटर्स कॉल्ड कुड जनरली कैटेगराइज इन टू पार्ट्स, द फर्स्ट इज द डार्क रोमांटिक्स एंड सेकेंड इज ट्रांसेंडेंटलिस्ट। द डार्क रोमांटिक्स एंड ट्रांसेंडेंटलिस्ट, तो ये दो पार्ट्स हैं अमेरिकन रेनेसांस राइटर्स के। ओके, मतलब कैटेगराइज कर सकते हैं हम जितने भी अमेरिकन रोमांटिक पीरियड के राइटर्स रहे, उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन इज़ द डार्क रोमांटिक्स, नंबर टू इज़ ट्रांसेंडेंटलिस्ट। तो आगे जानेंगे क्या है डार्क रोमांटिक्स और क्या है ट्रांसेंडेंटलिस्ट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट मेरी ऑडियो आएगी नथानियल होथोर्न पे। थैंक यू।